देखिए, हेयर केयर में तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखने से आपके बाल रिग्रो भी करते हैं और बालों की थिकनेस डेंसिटी भी इंक्रीज करती है। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियोज़ भी शेयर करती हूँ। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, यूज़फुल लग रही है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक देने से बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है और अगर आप लोगों को वीडियो यूज़फुल लगती है तो लाइक देने में कितना टाइम लगता है, बस एक क्लिक ही तो करना होता है ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा नेचुरल शैम्पू शेयर करने वाली हूँ। इसमें रीठा का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगी। ये जो शैम्पू है बहुत ही माइल्ड है और अगर आपने बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो उसको नहीं निकालेगा, लेकिन अगर आप बहुत ही लाइट ऑयलिंग करेंगे अपने बालों में, जैसा कि मैं इस वीडियो में बताने भी वाली हूँ, तो ये आपके बालों से ऑयल भी निकाल देगा और आपके बालों को ड्राई बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपके बालों को बहुत अच्छे से नरिश करने का काम करेगा। जो दूसरा होगा वो होगा स्कैल्प स्क्रबर। देखिए, बहुत सारे लोग शैम्पू, कंडीशनर, हेयर सीरम, हेयर मास्क सब कुछ लगा लेते हैं लेकिन अपने अपने स्कैल्प में स्क्रबिंग नहीं करते हैं। कुछ साल पहले मैं भी अपने स्कैल्प में स्क्रबिंग नहीं किया करती थी, लेकिन जब से मैंने अपने स्कैल्प में स्क्रबिंग करना शुरू किया है, मुझे समझ में आया है कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बालों की रीग्रोथ के लिए। क्योंकि देखिए, जो स्कैल्प स्क्रबर होता है उसका काम होता है आपके स्कैल्प को क्लीन करना और जो भी क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको अनक्लॉग करना। तो जब आपके क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स अनक्लॉग होते हैं तो क्या होता है कि बाल वापस से आना शुरू हो जाते हैं उस हेयर फॉलिकल में से। और जो तीसरी चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ वो है नेचुरल कंडीशनर, जो आपके बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन करेगा, बालों की इलास्टिसिटी को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से आपके बाल डैमेज नहीं होंगे, लंबे घने मजबूत होंगे। तो अगर आप लंबे घने मजबूत बाल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका हेयर लॉस ना हो, बाल रिग्रो भी करें, तो ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, आपके बहुत काम की होने वाली है। इसमें तीन चीज़ें शेयर करूंगी और ये तीनों ही चीज़ें हेयर केयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये नेचुरल शैम्पू बनाने का तरीका बता देती हूँ, जो आपके बालों से ऑयल भी निकालता है, बालों को ड्राई भी नहीं करता है। लेकिन किस तरीके से ऑयलिंग करनी है वो भी आप इस वीडियो में देखिएगा। मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट शैम्पू शेयर करने वाली हूँ, जो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा ऑयलिंग की है तो आपका पूरा ऑयल ये शैम्पू साफ नहीं कर पाएगा, पहले ही मैं क्लियर कर देती हूँ। तो इसीलिए जब आप ये शैम्पू लगा रहे हैं तो बहुत थोड़ा सा ऑयल लगाना है। कैसे लगाना है बताऊँगी मैं। सबसे पहले आपको शिकाकाई लेना है। देखिए, शिकाकाई के अंदर क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नेचुरल शैम्पू की तरह काम करता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग ट्रीट करता है, बालों को बहुत ज़्यादा शाइनी बनाता है, हेयर लॉस स्टॉप करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है जटामांसी। देखिए, जटामांसी एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो शरीर में तीनों दोषों को, वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने का काम करती है। तीनों दोषों में से अगर एक कोई दोष ज़्यादा हो जाता है तो हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये हेयर लॉस स्टॉप भी करती है, साथ ही साथ आपके बालों को बहुत लंबा घना मजबूत बनाने का काम करती है। जटामांसी आपके बालों की मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है भृंगराज। देखिए, भृंगराज को बालों का राजा बोला गया है, इंग्लिश में इसको फॉल्स डेजी भी बोलते हैं। ये आपके बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन और ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बालों को झड़ने से भी रोकती हैं, बालों को काला बनाती हैं, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करती हैं और साथ ही साथ बालों को रिग्रो होने में भी हेल्प करती हैं। अगर आप इन आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने शिकाकाई, जटामांसी और भृंगराज का यूज़ किया है, अगर आप इन सारी हर्ब्स का यूज़ करते रहेंगे तो आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं, काले भी होंगे, रिग्रो भी करेंगे। लेकिन बस आपको इन सारी चीज़ों को यूज़ करना होगा, उन मार्केट वाले केमिकल वाले शैम्पू, कंडीशनर वगैरह को छोड़ के। अगर आप इन सारी चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे तो फ़र्क खुद ब खुद आपको दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए, मैं कम से कम 4-5 साल से पूरी तरीके से नेचुरल चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ और इतने फ़ायदे मिल रहे हैं ना कि पूछिए मत। मेरा हेयर लॉस भी नहीं होता, बस नॉर्मल हेयर लॉस होता है, ज़्यादा नहीं, और साथ ही साथ बाल रिग्रो भी करते हैं, बाल काले भी हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से पका लेना है। तब तक मैंने पकाया जब तक ये रिड्यूस होकर हाफ़ नहीं हो गया। रिड्यूस होकर हाफ़ हो गया मतलब बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो चुका है। इसमें एक और आयुर्वेदिक हर्ब यूज़ करनी है, आयुर्वेदिक फ्रूट भी आप इसको बोल सकते हैं, इसका नाम है आंवला। आंवला को दिव्य औषधि भी बोला गया है। दिव्य औषधि मतलब होता है कि ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है जो आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करेगी। तो दो
आंवला मैंने डाल दिया। अगर आपके पास फ्रेश आंवला नहीं है तो आप ड्राई आंवला ले लीजिए, और जब हमने सारी चीज़ों को बॉयल किया है तभी आप उसको भी डाल के अच्छे से पका लीजिए। अगर आंवला पाउडर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया, उसके बाद अच्छे से स्ट्रेन भी कर लीजिए ताकि कोई रेजिड्यू ना रह जाए। अभी आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही अच्छा सा लिक्विड तैयार हो गया। और अब मैं बनाने जा रही हूँ शैम्पू। शैम्पू बनाने के लिए आपको चाहिए बेसन। देखिए बेसन बहुत ही अच्छा क्लींजर होता है, या आपके बालों को भी बहुत अच्छे से क्लीन करने का काम करता है, स्कैल्प को क्लीन करने का काम करता है, और साथ ही साथ आपको पता है बेसन ऑयल ग्लैंड्स को रेगुलेट करने का भी काम करता है, और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। अब क्या करना है आपको कि जो हमने लिक्विड प्रिपेयर किया है उसी की हेल्प से बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा लिक्विडी ही होना चाहिए। और अभी आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा लिक्विड ऐड करना है और पेस्ट बनाते जाना है। कई बार बहुत सारे लोगों का जो स्कैल्प और बाल होता है वो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, बिना ऑयल लगाए ही नेचुरली इतना सारा ऑयल स्कैल्प और बालों में आ जाता है कि रेगुलर बेसिस पे शैम्पू करना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए ये शैम्पू बेस्ट है, क्योंकि अगर आप रेगुलर बेसिस पे शैम्पू कर रहे हैं तो केमिकल वाले शैम्पू का यूज़ तो बिल्कुल नहीं करना। देखिए शैम्पू हमारा बनके तैयार हो गया है। अब ऑयलिंग करने का तरीका मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है। पहले तो ऑयल को डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से हल्का गर्म कर लेना है। अब क्या करना है कि एकदम ज़रा सा ऑयल लेना है और अच्छे से पूरी स्कैल्प कवर करनी है और बाल कवर करने हैं। हैवी हेयर ऑयलिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत ही कम ऑयल लगाइए ताकि ऑयल अच्छे से लग भी जाए और इतना ऑयल ना लगे कि वो इस शैम्पू से हट ना पाए। तो एकदम हल्का सा ऑयल लगाना है आपको, ठीक है। बस अच्छे से पूरे बालों में और पूरे स्कैल्प में ऑयल लग जाना चाहिए, लेकिन ऑयल टपकना नहीं चाहिए। बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग नहीं करनी है आपको। इस ऑयल को अच्छे से अपने पूरे बालों में भी लगाइए, बालों की लेंथ में भी लगाइए, लेकिन एकदम हल्का सा। जैसे आप देख रहे हैं मैं बहुत ही हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ कि हथेली में ऑयल ले रही हूँ, रगड़ ले रही हूँ, फिर उसके बाद ऐसे पूरे बालों में लगा ले रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपके बालों में ज़्यादा ऑयल नहीं आएगा। और चोटी बना लीजिए इसके बाद, और रात भर इस ऑयल को अपने बालों में रहने दीजिए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्या करना है कि ये वाला शैम्पू लगा लेना है। तो अगर आप थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे अपने बालों में तो ये शैम्पू ऑयल को निकाल देगा बहुत अच्छे से, लेकिन अगर आपने बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो ये शैम्पू ऑयल नहीं निकाल पाएगा। तो बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत भी नहीं होती हमारे बालों को, बस आपके बाल अच्छे से मॉइस्चराइज होने चाहिए। अब क्या करना है कि इस शैम्पू को अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगाइए, पूरे बालों की लेंथ में लगाइए जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। फिर इसको लगाने के बाद एटलीस्ट 3 आवर्स तक इसको अपने बालों में छोड़िए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिएगा। देखिए आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और अब बारी आती है स्कैल्प स्क्रब बनाने। अगर आपके हेयर फॉलिकल क्लॉग हो गए हैं तो वहाँ से बाल नहीं आएंगे, तो ये जो स्क्रबर है ये क्या करता है, क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स को अनक्लॉग करता है, स्कैल्प को क्लीन करता है, हेल्दी बनाता है। और जब आप स्क्रबिंग करते हैं तो ब्लड फ्लो बूस्ट होता है स्कैल्प में, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलता है, तो आपके बाल लंबा होना शुरू होते हैं, बाल रिग्रो करना शुरू होते हैं। और अब मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा सा स्कैल्प स्क्रब शेयर करने वाली हूँ। इसको बनाने के लिए आपको 2-3 चम्मच के बराबर चीनी चाहिए, जो पतली वाली चीनी आती है। बहुत मोटी चीनी अगर आपके घर में है तो उसको आप ग्राइंड कर लीजिए एक बार, फिर उसको यूज़ करिएगा। बहुत मोटी मोटी चीनी आपको यूज़ नहीं करनी, पतली वाली चीनी यूज़ करना है। उसके बाद 3-4 चम्मच के बराबर कॉफ़ी पाउडर आप ऐड कर दीजिए, फिर उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए, और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी हमें डालना है, बस ज़्यादा नहीं, 1-2 चम्मच के बराबर। इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जो ऑयल है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है, इस ऑयल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब ये देखिए जो हमारा स्कैल्प स्क्रब है इसको थोड़ा सा और माइल्ड बनाने के लिए, मॉइस्चराइजिंग बनाने के लिए इसमें एलोवेरा जेल आपको डाल देना है 2 चम्मच के बराबर। अब क्या करना है, इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमारा बहुत ही पावरफुल सा स्कैल्प स्क्रब बनके तैयार हो गया है। अगर आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके स्कैल्प में बिल्डअप हो जाएगा, तो इस स्कैल्प स्क्रब को हर हफ्ते यूज़ करिएगा। लेकिन अगर आप कोई केमिकल वाली चीज़ें यूज़ नहीं करते मेरी तरह, तो 15-20 दिन में एक बार आप स्कैल्प स्क्रब यूज़ कर लीजिए। देखिए ये ब्लड फ्लो भी बूस्ट करता है, और साथ ही साथ आपके स्कैल्प में जो भी एक्यूमुलेशन होगा, जो भी क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स होंगे उनको अनक्लॉग करेगा। तो ये हमारे स्कैल्प के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको आपको तुरंत ही वॉश कर लेना है। देखिए आपको अपने स्कैल्प की स्क्रबिंग करनी चाहिए
15 दिन में एक बार जरूर। इससे क्या होता है कि जो भी एक्यूमुलेशन होता है आपके स्कैल्प में, जो भी क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स होते हैं, अनक्लॉग होते हैं, आपकी स्कैल्प पूरी तरीके से क्लीन हो जाती है और बहुत अच्छे से ब्रीद कर पाती है। स्कैल्प जब क्लीन होगी, हेल्दी होगी, तो आपके बाल भी हेल्दी होंगे, क्योंकि आपके बाल कहाँ से आते हैं, स्कैल्प में से ही तो आते हैं। जब स्कैल्प अनहेल्दी होगी तो आपके बालों को भी अनहेल्दी बना देगी, इसीलिए हेल्दी स्कैल्प का होना बहुत जरूरी है। अब बारी आती है कंडीशनर बनाने की। ये जो कंडीशनर है ना, ये आपके बालों को रिपेयर भी करता है और रिग्रो भी करता है। इसको आप अपने स्कैल्प में भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको अपने बालों की लेंथ में लगाना है, जैसे आप मार्केट वाला हेयर कंडीशनर लगाते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप अपने स्कैल्प में भी लगाइए, पूरे बालों में लगाइए। देखिए, ये आपके बालों को रिग्रो भी करेगा और आपके बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, कंडीशन करेगा, और जितने भी डैमेज बाल होंगे उनको रिपेयर करेगा। अगर आपको स्प्लिट एंड्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसका इस्तेमाल करिए, आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। देखिए, जो स्टोर बॉट कंडीशनर होता है उसमें इतने सारे केमिकल्स होते हैं कि पूछिए मत, केमिकल की पूरी भंडार होती है उसमें। और जो मार्केट वाला शैम्पू और कंडीशनर होता है, उसका सबसे खराब बात आपको पता है क्या होता है? वो विद टाइम आपके बालों में बिल्डअप होता जाता है। आपको लगता है कि आपने शैम्पू लगाया, धुला, तो शैम्पू निकल गया आपके बालों से, जबकि ऐसा नहीं है। शैम्पू तो निकल गया, लेकिन शैम्पू के अंदर जो केमिकल है वो नहीं निकलता है आपके स्कैल्प से। वो विद टाइम बिल्डअप होता जाता है आपके स्कैल्प में, आपके बालों में, जिसकी वजह से आपके बाल खराब हो जाते हैं। इसी वजह से आजकल हेयर लॉस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है। पहले इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हेयर लॉस की नहीं थी, ना हेयर थिनिंग की थी, क्योंकि लोग नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते थे और नेचुरल चीज़ें आपके बालों में बिल्डअप नहीं होती। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही पावरफुल सा कंडीशनर शेयर करने वाली हूँ। इसको आप सीरम भी बोल सकते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ फिर से यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। इसको मैं एज ए हेयर सीरम, एज ए कंडीशनर लगाती हूँ। इसके लिए आपको एलोवेरा जेल चाहिए। जो मार्केट वाला एलोवेरा जेल होता है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। इसको आप स्टोर करके इवन फ्रिज में पूरे एक महीने के लिए रख भी सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। अब इसमें आपको एक बहुत ही पावरफुल सी चीज़ डालनी है जो आपके स्कैल्प के पीएच को मेंटेन करता है और जो सीबेसियस ग्लैंड है उनको मेंटेन करने का काम करता है, तो ये है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर क्या करता है कि आपके स्कैल्प के जो पोर्स हैं उनको टोन करने का भी काम करता है। यहाँ पर आपको एक चम्मच, दो चम्मच के बराबर रोज़ वाटर ऐड कर लेना है। प्योर रोज़ वाटर होना चाहिए तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा ऑयल मैं ऐड करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिग्रो होने में भी हेल्प करता है, बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, बालों को काला बनाने का भी काम करता है। अगर आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की प्रॉब्लम है तो ये ऑयल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ख़त्म करने में। और ये जो ऑयल है वो है कलौंजी ऑयल। अगर आप कलौंजी ऑयल का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप एलमंड ऑयल का यूज़ कर लीजिए, एलमंड ऑयल भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन कलौंजी ऑयल बालों को रिग्रो करने के लिए और बालों को काला बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। अब इसको और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए इसमें एक एसेंशियल ऑयल आपको डालना है। मैंने यहाँ पे लैंग लैंग एसेंशियल ऑयल, पिपरमिंट एसेंशियल ऑयल लिया है। आप चाहें तो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 20 ड्रॉप्स डालने हैं किसी भी एसेंशियल ऑयल के, लेकिन अगर आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का यूज़ करेंगे तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो आप लैंग लैंग एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये क्या करता है कि सीबेसियस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और ज़्यादा सीबम रिलीज होने लगेगा। अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है तो लैंग लैंग एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करिएगा। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है, नॉर्मल है, तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल बेस्ट है आपके लिए। अगर आपको बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस वाला कोई एसेंशियल ऑयल यूज़ करना है तो वो है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगा लेना है आपको। इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके बाल रिग्रो भी होंगे, मजबूत भी होंगे, बालों की इलास्टिसिटी भी इम्प्रूव होगी और आपकी स्कैल्प भी हेल्दी होगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो प्लीज़ यार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।